नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कब और कैसे बनी दिल्ली भारत की राजधानी, और ज्यादातर राजाओं ने राजधानी के रूप में दिल्ली को ही क्यों चुना? नहीं जानते ना दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। असल में जिस दिल्ली को आज हम जानते हैं वह इतिहास में कई बार बसाई गई। मध्यकाल से बसे 7 शहर इसमें सम्मिलित होते हैं। इसका सबसे पुराना उल्लेख मिलता है महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में। इतना ही नहीं, यहां श्रीनिवासपुरी में अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। पर आज के रूप में यह कब बसा, इसका पहला उल्लेख मिलता है 736 एडी में, जब तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने यहां लालकोट में अपनी राजधानी बनाई और यहीं से इसका नाम पड़ा दिल्ली का। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, यह बात आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पर हिस्टोरियंस के कई अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ढीले आयरन पिलर के कारण इस जगह का नाम दिल्ली पड़ गया, जबकि कुछ और हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस दिल्ली का मतलब दहलीज से भी हो सकता है। नाम का कारण कुछ भी हो, परंतु कोई भी इस सिटी की इंपॉर्टेंस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों, 1178 में इस जगह पर कब्जा हुआ पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने इस जगह का नाम बदलकर रख दिया किला राय पिथौरा। जब मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर अटैक किया, तब इस जगह की साख काफी बढ़ गई थी। इस वजह से जब मोहम्मद गौरी ने तराई की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया, तब शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की, और यह पूरे भारत की राजधानी के रूप में देखी जाने लगी। अगले 300 सालों तक इसने पावर सेंटर के रूप में काम किया। इन सालों में इस जगह ने बहुत एक्सपेंशन भी देखा। लगभग 7 शहर इस जगह पर अलग अलग समय में बसाए गए, जिनमें से पहला था कुतुब कॉम्प्लेक्स, या जिसे आप मेहरौली कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे बसाया गुलाम वंश ने। इसके बाद आए खलजी वंश, जिसके सबसे दमदार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में बनाया सिरी फोर्ट और इसके आसपास बनाई एक ऊंची दीवार। ये दीवार क्यों बनी दोस्तों? ये दीवार इसलिए बनाई गई क्योंकि उन्हें खुद को मंगोलों के अटैक से बचाना था। इसके बाद बारी आई तुगलक वंश के ग्यासुद्दीन तुगलक की, जिन्होंने 1320 में बसाया तुगलकाबाद। फिर नंबर आता है दिल्ली सल्तनत के सबसे फेमस राजा, हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का, जिन्होंने 1325 एडी में बसाया जहां पनाह। जहां पनाह मतलब जहां सबको पनाह मिलेगी। ये बनाया गया लंबी दीवारें बनाकर, जिसमें जोड़ी गई पहले के बने हुए मेहरौली कॉम्प्लेक्स और अलाउद्दीन द्वारा बनाई गई सिरी फोर्ट को। इसके बाद बसा फिरोजाबाद, जिसे बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। इस समय तक आते आते राजनीतिक उथल पुथल के कारण कुछ समय के लिए दिल्ली ने अपनी इंपॉर्टेंस भी खो दी। मुगल जब भारत में आए तो उन्होंने आगरा को ही अपनी पहली राजधानी बनाया। दोबारा दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है शाहजहां को, जिन्होंने बसाया शाहजहानाबाद। हाँ दोस्तों, ये वही शाहजहानाबाद है जहां आपको आज मिलता है लाल किला और चांदनी चौक, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें थोड़ा आधुनिक काल की, तो 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत पे कब्जा होता चला जा रहा था। उन्होंने अपना पावर सेंटर बनाया कलकत्ता को, जिसे बसाया गया 1773 में। इस समय पावर धीरे धीरे दिल्ली से कलकत्ता की तरफ शिफ्ट होने लगी, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में कलकत्ता में बड़ी हलचल को एक बार फिर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट करने के। और तब जाकर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में दिल्ली को ही भारत की अंतिम राजधानी घोषित किया गया। तो ये थी कहानी दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी कैसे बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।